नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ किम्मी फ्रॉम ब्राइट स्केल्स विद किम्मी चैनल से, और एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ही चैनल ब्राइट स्केल्स विद किम्मी पर। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। हमारा जो आज का वीडियो है वो दोस्तों आप लोगों को आज के टाइटल से पता चल चुका है मुझे मालूम है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले देखिए दोस्तों गजानिया में कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है आज। बाकी के गजानिया मेरे अलग अलग रखे हुए हैं, लेकिन दोस्तों इसमें बड़ी प्यारी हो रही थी फ्लावरिंग, तो मैंने कहा कि आज आप लोगों को गजानिया के फ्लावर्स भी साथ में दिखा दूं वीडियो के स्टार्ट में। और बड़े ही प्यारे लग रहे हैं गाइज, इन पे मैं शॉर्ट बनाती हूँ या फिर आप लोग ओवरव्यू में देख पाते हैं, तो इसलिए मैंने ये गमला अपने पास रख लिया था। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। वीडियो है दोस्तों आज के आइस प्लांट पर, और आइस प्लांट हमारा बिल्कुल रेडी है नए पॉट में लगने के लिए। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि ये जो प्लांट है हमारा, ये प्लांट बहुत अच्छी तरह से दोस्तों अब ये बुशी हो चुका है और बहुत सारी फेसिंग इसने बना ली है। मैं आपको बताऊँ उसमें पहले फ्लावर आ चुका था, फ्लावर दोस्तों वही था हमारा पिंक कलर का, और फ्लावर आने के बाद दोस्तों फ्लावर को मैंने तोड़ दिया था। अब फ्लावर क्यों तोड़ा था, वो दोस्तों था पिंचिंग का एक पार्ट। पिंचिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने आप लोगों को एक महीने पहले दोस्तों एक वीडियो में कहा था कि एक छोटी सी सीडलिंग मैं लेकर आई थी, छोटी सी सीडलिंग। तो छोटी सी जो सीडलिंग होती है दोस्तों उसको बचाना बड़ा मुश्किल होता है, और मैंने आप लोगों को बताया था कि आइस प्लांट अच्छी कंडीशन में नहीं है। लेकिन पिंचिंग करने के बाद दोस्तों देखिए अब कितनी अच्छी कंडीशन में आ गया है, खूब अच्छी तरह से फैल गया इसी ग्रो बैग में, और फैलने के बाद अब दोस्तों नए प्लांटर में लगने के लिए भी तैयार है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इसी प्लांट की केयर। दोस्तों ये प्लांट, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आप लोग स्नोफॉल लवर हैं तो स्नोफॉल लवर्स के लिए ये प्लांट बेस्ट है, क्योंकि दोस्तों इस पे जमी होती है थोड़ी थोड़ी सी आइस टाइप की एक दोस्तों छोटे छोटे से कण, तो जो दोस्तों पार्टिकल्स होते हैं और बिल्कुल आइस की तरह दिखते हैं, तो इसीलिए इसको आइस प्लांट कहते हैं, या फिर मोती की तरह दिखते हैं तो इसको देहरादून में मोती बम भी कहा जाता है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह ये दोस्तों ये प्लांट बुशी हो गया है। अब गाइस कैसे इसकी सॉइल को तैयार करना है, तो दोस्तों सॉइल आप लोगों को बहुत ही वेल रेन लेनी है। ये प्लांट बिल्कुल दोस्तों अपनी सॉइल से टच्ड रहता है, जैसे कि पिटूनिया रहता है या बाकी सीजनल प्लांट गजानिया रहता है। तो दोस्तों ये जब टच्ड होते हैं ना सॉइल से, तो ये बहुत खतरे में होते हैं दोस्तों फंगस के, और फंजीसाइड का इसमें बहुत रोल रहता है, किसी भी सीजनल प्लांट में बहुत रोल है फंजीसाइड का। तो फंजीसाइड का स्प्रे आप लोगों को ज़रूर करना है। फंजीसाइड का स्प्रे अगर आप लोग करते रहते हैं प्लांट्स में तो दोस्तों प्लांट्स बहुत अच्छे रहते हैं। बाकी आप लोग जो पत्तियां इनमें ख़राब हो जाती हैं नीचे नीचे से, उन पत्तियों को टाइमली हटाते रहिए, टाइमली हटाइए, फ्लावरिंग पे और ग्रोथ पे इस चीज़ का बहुत असर पड़ता है। बाकी वेलड्रेन सॉइल में आप लोग दोस्तों इसके लिए बिल्कुल वेलड्रेन सॉइल बनाइए। और मैं कहती हूँ दोस्तों कि ये आप समझिए, ये मेरा रूल है, किसी भी प्लांट को ग्रोथ करने से पहले, फ्लावरिंग कराने से पहले दोस्तों उसकी लीव्स को बढ़ाइए, ये मेरा रूल है गाइस। और सही बात भी है, क्योंकि देखिए दोस्तों लीव्स बढ़ेंगी, पहले लीव पर अगर ध्यान देंगे तो फ्लावर अच्छा आएगा। आप ही सोचिए कि एग्जांपल आप लोग किसी चीज़ में मेहनत करते हैं तो मेहनत का फल लास्ट में मिलता है। सो गाइज अगर मेहनत ही नहीं की तो फिर फल कैसे मिलेगा। तो वही चीज़ है कि लीव्स को बढ़ाइए, लीव्स इसकी मेहनत है प्लांट की, और जो आपका फल है वो फ्लावर होगा। तो इसीलिए गाइज आप लोगों को सिंपल लीव्स पे ध्यान देना है, नाइट्रोजन पे पहले ध्यान देना है किसी भी प्लांट पे। वैसे मैं इस चीज़ के लिए हॉली हॉक को दोस्तों कहती हूँ कि हॉली हॉक में नाइट्रोजन का ध्यान देना चाहिए, पहले लीव्स बढ़ानी चाहिए। लेकिन अगर आप ये फॉर्मूला किसी भी प्लांट पर यूज़ करते हैं तो आपकी फ्लावरिंग गजब की होगी। एट द एंड थोड़ा लेट थोड़ी ज़रूर हो जाएगी, लेकिन गजब की होगी दोस्तों, जब होगी तो मन भर के होगी। तो दोस्तों इसी तरह से देखिए लीव्स बढ़ाई, मैंने इसमें फ्लावर नहीं आने दिया। बाकी जो इसका सॉइल मिक्सचर रखा, सॉइल मिक्सचर दोस्तों बराबर बराबर भाग में हम लोगों ने तीन चीज़ें ली, जैसे कि हम लोग रिवर्स सैंड कहते हैं, और दोस्तों सॉइल कहते हैं, और हमारी खाद कहते हैं गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट। तो तीनों चीज़ों में से आप लोग कोई भी मतलब ये दोनों चीज़ों में से, गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट में से एक चीज़ ले सकते हैं। सबसे बेस्ट है आप लोगों की गोबर खाद, लेकिन उसको एक बार दोस्तों सुखा जरूर लीजिए,
धूप में उसको सुखाइए। कोई भी चीज़ आप लोग बाहर से लाएं जो आपने दोस्तों मैन्युअली मतलब लेकर आए हो, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट एक वेल फाइनली दोस्तों अगर आप बाहर से लेके आते हैं तो वो बहुत ही फाइनली आपको देते हैं, बिल्कुल सुखा के अच्छी तरह से उसमें दवाइयाँ मिला के एक तरह से कहना चाहिए। तो दोस्तों गोबर खाद क्या होती है, हम कहीं जाते हैं किसी से बात करते हैं खाद ले आते हैं और अपने घर में रखवा लेते हैं, तो वो चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है कि अपने दोस्तों आप लोग मैन्युअली चीज़ें ला रहे हैं उनको आप लोग खुद धूप में सुखाएं। अगली चीज़ है गाइस प्लांटर कैसा देना है। प्लांटर दोस्तों आप लोगों को ये आइस प्लांट है तो आप लोग प्लास्टिक प्लांटर्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी अगर प्लास्टिक प्लांटर्स अगर आप लोग देखिए छत पे कर रहे हैं टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं तो चल जाता है, क्योंकि टेरेस पे हम लोग इतने भारी भारी गमले एक साथ नहीं रख सकते। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग ग्राउंड फ्लोर पे कर रहे हैं तो बहुत आप लोगों के लिए बेनिफिट है। तो ग्राउंड फ्लोर पे दोस्तों आप लोग अपना मिट्टी के गमले जो होते हैं क्ले पॉट्स होते हैं, या फिर दोस्तों आप लोग सीमेंटेड पॉट्स यूज़ कर सकते हैं। सीमेंटेड पॉट्स थोड़े हैवी होते हैं, लेकिन अगर ग्राउंड फ्लोर पे हैं तो बेस्ट है गाइस, बिल्कुल बेस्ट है, आप लोग उन्हें लीजिए। बाकी उनमें एक ध्यान रखिए दोस्तों कि प्लास्टिक में तो होल्स हो जाते हैं, ढेर सारे हो जाते हैं, लेकिन क्ले पॉट्स में होल नहीं हो पाता ठीक से। तो क्ले पॉट्स में आप लोगों को होल अपने आप करना होगा, उसका एक तरीका होता है, वैसे वो तरीका ज़्यादातर लोगों को मालूम होता है उस प्लांटर के। दोस्तों प्लांटर को पूरा दोस्तों उल्टा कीजिए और एक आप लोग जिसे हिंदी में कहते हैं सरिया या फिर आयरन रॉड से उस होल को आप लोग घिस सकते हैं और वो दोस्तों बहुत सही आप लोगों के लिए चीज़ है। तो आप लोग गाइस इस तरह से प्लांट्स के ड्रेनेज होल का भी ध्यान रखिए। क्ले पॉट्स में मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो दोस्तों ड्रेनेज होल ब्लॉक होता है तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। बाकी गाइस प्लास्टिक में तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लास्टिक में तो आप लोग जानते ही हैं होल्स बहुत बढ़िया मिल जाते हैं, ख़ास तौर पे ये नर्सरी वाले जो गमले होते हैं ब्लैक कलर वाले पॉट्स होते हैं इनमें बहुत अच्छे मिल जाते हैं। बाकी आप लोग अगर इस टाइप के ग्रो बैग में लगा रहे हैं दोस्तों तो इस टाइप के ग्रो बैग्स में भी लगाने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस, हमें बस प्लांटर चाहिए, फूल खिलेगा प्लांटर दिखेगा भी नहीं, सबसे बड़ी बात यही है। आप लोग अपने दिमाग में एक चीज़ मत डालिए कि हमें पॉट्स चाहिए, ऐसा मत सोचिए, आप लोगों को प्लांटर चाहिए, प्लांटर यूज़ कीजिए। तो प्लांटर कुछ भी हो सकता है, आपको बस प्लांट लगाना है सही ढंग से सही नियमों के अनुसार। बाकी गाइस ये फुल आप लोगों का सनलाइट का प्लांट है, फुल सनलाइट का आप लोगों का ये प्लांट है, फुल सनलाइट में से रखिए अभी। बाकी अभी गर्मी बढ़ेगी तो हो सकता है थोड़ा सा इस पर इफ़ेक्ट आने लगे, तब हम लोग वैसे भी पॉली हाउस अपने शेडी प्लेसेस में रखने लगेंगे दोस्तों गमलों को, तो आप लोग रख सकते हैं। सो गाइस यही कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, नीम ऑयल का स्प्रे आप लोग इसमें करते रहिए, फंजीसाइड का स्प्रे इसमें लगातार करते रहिए हर हफ्ते, और गाइस आप लोग बहुत अच्छी तरह से गार्डनिंग कीजिए गाइस, बहुत अच्छा ये एक कहना चाहिए बहुत ही बेस्ट हॉबी है, मींस बहुत अच्छी दोस्तों ये गार्डनिंग जो है बहुत ज़्यादा अच्छी हॉबी है। बाय गाइस, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट।